खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, एबीपी न्यूज में साथ में हूँ कुमकुम बिनवाल। आइए दिखाते हैं आपको 100 सेकंड में देश की बड़ी खबर। महंगाई के आंसू रुलाती प्याज, देश भर में प्याज के दाम 100 के पार, जनता परेशान। प्याज की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री का लोकसभा में जवाब, कहा इस बार कम हुई थी पैदावार। प्याज खाने के सवाल पर बोली मिला, मैं प्याज खाती ही नहीं। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, हर बार इस सीजन में प्याज महंगा होता ही है, कुछ नया नहीं। जम्मू कश्मीर में आए बर्फीले तूफान में 4 जवान शहीद, तंगधार और गुरेज में आया था तूफान। जम्मू कश्मीर के करगिल में कड़ाके की ठंड, पारा 23 डिग्री तक गिरा, हैंडपंप में पानी जमा, गाड़ियां भी ठप पड़ी। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रैफिक ठप किया, बर्फ हटाने का काम जारी, रास्ता खोलने का काम जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के दफ्तर में प्रदर्शन, एडहॉक टीचर्स को गेस्ट टीचर में बदलने को लेकर विरोध। राजस्थान के जोधपुर में ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार की हालत गंभीर। एमपी के जबलपुर में जादुई पेड़ का अंधविश्वास, पेड़ के गले लगाने से सारी इच्छाएं पूरी होने का लोग करते हैं दावा। एमपी के डिंडोरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिला को फर्श पर लेटा दिया। तमिलनाडु के इरोद में गर्भवती महिला को कंधे पर 6 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा, एम्बुलेंस नहीं मिली। कानून व्यवस्था के सवाल पर भड़के यूपी के डीजीपी ओपी सिंह, बोले मैं यूपी का डीजीपी हूँ, पूरे इंडिया का नहीं।